26% जीडीपी बंगाल से जाया करता था, वो बंगाल में आज इंडस्ट्री नहीं है, कमाई नहीं है, लड़का लोग बेकार है, पढ़ाई में कुछ नहीं है, स्कूल कॉलेज बंद है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लड़की लोग पर हमला चल रही है, कोई केस का सोल्यूशन नहीं होता है, आदमी कितना बर्दाश्त करेगा। रोजगार के बारे में हम लोग सुनते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो पुलिस वाले हैं, ग्रीन पुलिस है, 6-6 हज़ार रुपये में काम करती है। देखिए इसलिए के तो हम लोग का दुख है कि बंगाल में क्या मेरिटोरियस इंटेलिजेंट लड़का नहीं पैदा हो रहा आजकल, जो बंगाल के लड़का सारा विश्व में सारा दुनिया में एक्सेल करते थे, कोई नासा के साइंटिस्ट बोलिए, कोई भी बड़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोलिए या अमेरिका यूएस यूके सब जगह में रॉयल कॉलेज में बंगाली डॉक्टर से कितना आगे बढ़ रहा है, बिग मतलब वेरी अनकमन सर्जरी बंगाली डॉक्टर से हो रहा, वो बंगाल के वो बंगाली लड़का कहाँ गया? अब 34 और 10 ये 44 साल में बंगाल का इतना मेरिट इतना इंटेलिजेंस कहाँ गया? वो लोग को मौका नहीं दिया जा रहा, बढ़ने नहीं दिया जा रहा, पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल रहा, बंगाल के दबाया दिया जा रहा कि तुम 5,000 का नौकरी लो करो और घर में रहो, यहाँ का लड़के लोग सब बाहर जा रहा, हम लोग परिजाई श्रमिक कहते हैं, सारे लड़का डायमंड का मिस्त्री, यहाँ का जो लड़का है पढ़ाई लिखाई सीख के जॉब नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं है, क्या करेगा, पेट के लिए चला जा रहा बाहर। बंगाल की हालत बहुत ख़राब है और हमारे चीफ मिनिस्टर भी वो सोच रहा कि बंगाल में भाजपा इतना आगे बढ़ रहा, इतना भाजपा के नेतृत्व नहीं कार्यकर्ता नहीं, भाजपा के आम आदमी आज भाजपा के साथ है, क्योंकि ये 10 साल के जो चला है, जो जॉब नहीं मिल रहा, खाना मतलब कमाई नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लड़की लोग का इज्जत नहीं है, तो आदमी अब फंसा हुआ है, आने वाले चुनाव में इसका रिफ्लेक्शन होगा, उसको समझ में आ गया टीएमसी पार्टी रूलिंग पार्टी को, वो हिसाब से वो हमला कर रहा है। मैम देखा जा रहा है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियों की रैली हो रही है, जैसे आज कैलाश विजयवर्गीय जी का 9 द्वीप में उनका को परिवर्तन यात्रा को रोका गया, लगातार हिंसा हो रही है, लेकिन देखने में आ रहा है कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं इनको तो कॉन्स्टेंटली टारगेट किया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए शुभेंदु अधिकारी डेफिनेटली एक बहुत बड़े माप के नेत्री हैं, और वो दूसरी बात है कि वो टीएमसी पार्टी का मिनिस्टर थे और उनको पता है भाईपो जो हम कहते हैं सीएम के भाईपो, उसके क्या गलती है, कहाँ नेगेटिव पॉइंट्स है, पॉजिटिव पॉइंट्स है, उनको अच्छा से मालूम है, तो उसको जैसे दबा दिया जाए उतना टीएमसी को डर है शुभेंदु अधिकारी से, डर के मारे वो ऐसा कर रहा, शुभेंदु अधिकारी से आगे बढ़ने नहीं देंगे, उससे बोलने नहीं देंगे, उसको पॉलिटिकल रैली में ज्वाइन करने नहीं देंगे, लेकिन शुभेंदु भी बहुत तैयार है रिवेंज, उसको और बहुत बहुत साल से बहुत कुछ हुआ होगा जिसके बारे में शुभेंदु आगे बढ़ रहा, भाजपा उसके साथ है। मतलब जो भी टीएमसी से छोड़ के आ रहा है, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो चाहे राजीव बनर्जी हो, आज तो देखे हैं राजीव बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय से शुरू करके यहाँ और किसी लोगों टीएमसी से आज भी ज्वाइन किया, कई टीएमसी के नेत्री सजल घोष, प्रदीप घोष, ये सारे बड़े बड़े टीएमसी वाले लीडर यहाँ ज्वाइन किया, तो ये आराम से पता चल रहा कि टीएमसी में वो भाईपो और पीसी छोड़ के, वो दोनों छोड़ के और कोई नहीं रहेगा, जब तक इलेक्शन अनाउंस होगा तब तक देखिएगा वो घर सन्नाटा हो गया, वो दो ही बचे हुए हैं। लगातार देखने में आ रहा है कि जो टीएमसी पार्टी है उसके द्वारा इंस्टिगेट किया जा रहा है, जैसे कल हुगली में प्रधानमंत्री की रैली थी तो जो एंट्री गेट था वहाँ पे खेला होबे का गाना बज रहा था, फिर उसके बाद लोग आप बता ही रहे हैं कि मतलब जब भी रैली होती चाहे टॉलीगंज में हो, कोलकाता यहाँ पे हो, लोग मस्जिदों से पत्थरबाजी हो रही, तो क्या मतलब उकसाने का प्रयास किया जा रहा है कि इधर से भी कुछ हो? नहीं देखिए बंगाल जो है, बंगाल इज अ प्लेस जहाँ हम यहाँ के आदमी लिखे पड़े हैं, कल्चर्ड है, इन लोग का कुछ अपना कल्चर है, ये लोग का बात में बहुत अच्छे हैं, कभी किसी से लड़ाई आपस में नहीं करते हैं, अगर कुछ हो भी जाए चुप रहते हैं, बंगाल की ये हैबिट है, यहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर से स्वामी विवेकानंद रामकृष्णा सारे बड़े बड़े मनीषी यहाँ से, नोबेल लॉरिएट जितना यहाँ का है, तो ये बंगाल सारा दुनिया में, खाली इंडिया के नहीं सारे दुनिया में बंगाल एक टाइम नंबर वन थे, पूरा भारतवर्ष का जो जीडीपी 52 जब स्वाधीन हुआ हमारे देश, जब उसको मिला उस टाइम 26% जीडीपी बंगाल से जाया करता था, वो बंगाल में आज इंडस्ट्री नहीं है, कमाई नहीं है, लड़का लोग बेकार है, पढ़ाई में कुछ नहीं है, स्कूल कॉलेज बंद है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लड़की लोग पर हमला चल रही है, कोई केस का सोल्यूशन नहीं होता है, आदमी कितना बर्दाश्त करेगा? 34 साल हमारे 12 बजा दिया वो CPM, इसके बाद 10 साल दीदी मोनी इसको शासन में भेजा दिया, तो हम अब तैयार हैं भाजपा के लिए, भाजपा को आना ही है बंगाल में,
ये हम लोग काई कर लिया। आप कल्चर का बात कर रहे हैं लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं प्रधानमंत्री को बोलती हैं कि कान पकड़ के हिंदी सिखाएगा, अड्डा नड्ढा चड्ढा पड्ढा अमित शाह को बोलती हैं कि फोकट फोकट चेहरा है। देखिए कोई कोई अगर चीफ मिनिस्टर इज अ पोस्ट डेजिग्नेटेड एक पोस्ट है, चीफ मिनिस्टर पोस्ट में बैठ के वो कुर्सी पर बैठ के कोई प्राइम मिनिस्टर को वैसे नहीं दे सकता है। दिस इज अन पार्लियामेंट्री, दिस इज नॉट डन। लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर इसके ऊपर सबसे ऊपर है, वो कुछ भी बोल सकता है, किसी को भी बोल सकता है, लेकिन इससे हम शर्मिंदा है। एक बंगाली मैं हूँ, एक बंगाली चीफ मिनिस्टर है, हम शर्मिंदा है कि हमारे एक बंगाली लेडी ऐसा बात बोल रही है एक प्राइम मिनिस्टर को। इससे आगे कुछ नहीं बोलने का है, लेकिन आदमी इसका हमारे बंगाल की जनता है इसका जवाब 21 का इलेक्शन में देंगे पक्का। जब ममता दीदी 2011 में बनी होंगी या मतलब जब वो प्रयास कर रही होंगी सरकार बनाने का, तो आप लोग का भी समर्थन उस समय रहा होगा ना दीदी को? जी हम सुना नहीं। उस समय दीदी को आप लोग का समर्थन रहा होगा? नहीं, उस टाइम देखिए जब 34 साल में बंगाल में हम लोग देखिए क्लास 5 तक इंग्लिश उठा दिया। बंगाल के इतना मेरिटेरियस स्टूडेंट्स जो है ये बच्चों ऑल इंडिया कंपटीशन में जगह नहीं मिल रहा था। 34 साल के लेफ्ट फ्रंट ये सारे बर्बादी करके गया, समाप्त कर दिया। और उसको आदमी सोचा कि इस बार वो ममता दीदी आएगी, गरीब घर की है, ओके दारा दे वाला वो अगर हमें यहाँ बदलाव लाएगा, हमारे यहाँ पढ़ाई होगा, सब जॉब मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लॉ एंड ऑर्डर होगा। पर हम आके देखा यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ सिर्फ अपना कमाई और कटमनी और ये सारे चल रहे। कब लगा कि अब उब गए हैं, मतलब ये हो नहीं रहा जैसा सोचे थे वैसा नहीं हो रहा, कब लगा? देखिए शुरू में तो बहुत सारे बोलते थे, आदमी लोग सोचता था कि जो बोल रहा है वो तो बहुत कुछ, बाद में हमें पता चल रहा 5-6 साल से कि वो धोखा ही मर रहा, वो हर चीज़ एक एक गलत छिपाने के लिए 4 गलत चीज़ से नया नया बात निकाल के लाते हैं। सर वो कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ आदमी को नौकरी दिया, हमें तो नहीं लग रहा कि एकों का कि अच्छा नौकरी मिला, ऐसा ही है एक एक झूठ पर झूठ झूठ पर झूठ। आदमी जब पता चला कि ये सही में झूठी बोल रहा, इनका जो NCRB है वो रिकॉर्ड से इनका क्या क्राइम हुआ छपाया नहीं 18 साल के बाद, क्यों नहीं छपाए? इनका कितना पैसा खर्च हुआ अम्फन में, प्राइम मिनिस्टर दिया, सेंट्रल के जो प्रोजेक्ट्स आया इसका पैसा कहाँ कैसे खर्च हुआ, नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? जरूर कोई गलती है। जब अम्फन का पैसा चोरी हुआ वो तो खुद बोल रही कि तुम लोग आपस करो पैसा, तो अगर इसके मतलब वो खुद उनको पता है कि उनका लड़का लोग चोरी किया और आदमी आम आदमी का पैसा काट लिया, तो ऐसा सरकार नहीं चल सकता है, जनता ये नहीं मानेंगे, ये ख़त्म करना है। इसके लिए आदमी तय कर लिया हमारा पश्चिम बंगाल के आदमी, इसको तो हम कुछ ना कुछ 21 साल में इलेक्शन में हम लोग 200 से ज़्यादा सीट लेके भाजपा बंगाल में आएगा ये उम्मीद लेके हम लोग चलते हैं। देखिए हमारे शांति से हमारे BJP का एक मिचिल का आगे से शेड्यूल था, तो लड़के बच्चे सारे मिचिल में आ रहे थे, हमारे नेतृत्व तो बीच में थे, जैसे मिचिल आ रहा है दोनों तरफ से ये लोग तैयार थे कुछ रिवेंज लेने की उम्मीद लेके, ये लोग हाथ में झाड़ू चप्पल स्टोन्स जो भी है वो सारे लेकर तैयार थे कि जैसे वो परिवर्तन यात्रा वाला पास होंगे तो उस पर वो लोग हमला चलाया, पत्थरबाजी किया, चप्पल से पिटाई ये किया। तो हमारे लड़कों लोग बहुत शांत थे, पुलिस बाद में बहुत ही हालत ख़राब हुआ, अब देखे होंगे कि शुभेंदु अधिकारी जी का गाड़ी का शीशा वीशा टूटे हैं, कई बच्चों इंजर्ड हुआ वो हॉस्पिटल में भी आए हैं। तो एक डेमोक्रेटिक राज्यों में जहाँ पर हमारे गणतांत्रिक राज्य है, जहाँ हम इलेक्शन से हम कोई चीफ मिनिस्टर मंगवाते हैं, उस रूलिंग पार्टी का ये क्या सिस्टम है बंगाल में कि वो कोई दूसरी पार्टी जो अपोजिशन है उसको लड़ने नहीं देगा, उसको चलने नहीं देगा, उसका पॉलिटिकल जो ओपिनियन है वो अपना काम करने नहीं देगा। ये जो हमारे परिवर्तन यात्रा है ये दिस इज़ अ पॉलिटिकल BJP पार्टी का एक पॉलिटिकल काम है, ये हम निकाले हैं परिवर्तन यात्रा, हमारे पांचों रथ निकाले, हमारे माननीय स्वराष्ट्र हमारे जो JP नड्डा जी सर्वभारतीय सर्वसभापति हैं वो आके उद्बोधन किया इनको, इसके बाद हमारे पांचों जगह से निकले, अब तो ख़त्म होने लगे। लेकिन कलकत्ता में जैसे पहुँचे कलकत्ता में कुछ कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर एक कैटेगरी के आदमीज हैं
वो लोगों को भोका गया, मतलब वो लोग को तैयार करके पत्थर लाके चप्पल जूता झाड़ू लाके वो लोग को रास्ता के पास खड़ा कर दिया कि जैसे बीजेपी का रैली चलेगा साथ में वो साइड से उस पर हमला करेंगे, और वो किए हैं।